इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो कर्नाटका के बेल्लारी में राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम गहलोत, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। राजस्थान के सियासी मसले पर चर्चा हो रही है, आपको बड़ी खबर और बड़ी अपडेट दे दें। बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सुबह 7 बजे ही उड़ान भर ली थी मुख्यमंत्री ने कर्नाटका के लिए। सुशांत पारिक हमारे ब्यूरो हेड इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशांत जी, बैठक शुरू हो गई है और इसमें केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं, किस तरीके से देखा जाए इस बैठक को, क्या इनपुट्स निकल कर सामने आ सकते हैं? सर देखिए, बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। हम चर्चा सुबह से कर रहे हैं इस बात की कि बैठक में राजस्थान के सियासी मसले पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा के बाद क्या कोई डिसीजन लिया जाएगा ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 सितंबर के घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात नहीं हुई है। तो ऐसे में इस मुलाकात में विस्तार से पूरी बात तो बताएंगे ही, और आने वाले समय में किस तरीके से क्या चीजें होनी हैं उन पर भी अपनी राय रखी जाएगी। राहुल गांधी क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन वेणुगोपाल चूंकि संगठन महासचिव हैं और राहुल गांधी के विश्वस्त नेता हैं, उनका अक्सर हम देखते हैं कि वो इस तरह की बड़ी बैठकों में, चाहे वो सोनिया गांधी के साथ हो, राहुल गांधी के साथ हो, वो रहते हैं। तो उनका रहना निश्चित तौर पर बता रहा है कि सत्ता और संगठन दोनों ही मसलों को लेकर बातचीत हो रही है। बैठक के बाद अगर मीडिया से गहलोत बात करेंगे या किसी तरह का कोई ट्वीट करते हैं, किसी तरह के कोई संकेत देते हैं, उस पर हम सबकी नजरें हैं। और उम्मीद की जा रही है कि अशोक गहलोत जो है जिस तरीके से लगातार सक्रिय हैं, कॉन्फिडेंट हैं और बता रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी प्लानिंग क्या है, और वो ये मानकर चल रहे हैं कि 2023 का चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा, लेकिन इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी का स्टैंड क्या रहता है ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा और हम इंतजार करेंगे उसके लिए। बहुत शुक्रिया आज सुशांत जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि बैठक शुरू हो गई है और सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं, और एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई, जो बैठक हो रही है वो राजस्थान के सियासी हालातों से जुड़ी हुई ही हो रही है। आज इस बैठक से क्या चीज़ें निकल कर सामने आएगी वो भी हम अपडेट आपको देंगे, क्योंकि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटका के बेल्लारी में इस वक्त हैं, बैठक चल रही है। तो आज राजस्व दिवस है, इस मौके पर जयपुर में सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कर्म सरलीकरण की बुकलेट अब ऑनलाइन भी कर दी गई, आपके ऑफलाइन भी भेजी जा रही, पहले भी भेजी हुई है, लेकिन कई जगह इसको हम लोग पढ़ नहीं पाते या जानकारी नहीं रख पाते, इसलिए वो समस्या जो की क्यों बनी रहती है। हमारे कार्य योजना जो बनाई जाती है उसको लागू करने के लिए हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छे काम किए, फिर भी थोड़ा सा व्यवहारिक और बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो पुरानी कहावत है कि ऊपर करतार नीचे पटवार।